मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची, बहरिया एडवेंचर लैंड और थीम पार्क के सामने। खतरनाक राइड स्टार्ट हो रही है। दुश्मन हमारे सामने आ गए हैं, अभी फाइट होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ज़ियाहिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची, बहरिया एडवेंचर लैंड और थीम पार्क के सामने। आज मैं आपको इसका मुकम्मल विज़िट कराऊंगा। इसकी टिकट कितनी है, इसमें कौन कौन सी राइड्स हैं और कितनी राइड्स हैं और अंदर इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ है, तमाम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो अभी वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो आओ मेरे नाल। से इसका व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और अभी अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं। टिकट काउंटर है, टिकट प्राइस है जी अडल्ट्स की 3000 और बच्चों की 2000। येलो टिकट हैं और टाइमिंग भी लिखी हैं और कौन कौन से डे ये ओपन होगा वो भी सारा मेंशन है। तो अभी टिकट लेते हैं जी। तो टिकट्स हम ले चुके हैं और अभी एंट्रेंस करते हैं। और इधर एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राइड्स पे काफ़ी लाइनें लगी होती हैं। अगर आपने फास्ट ट्रैक में जाना है तो आपने 1000 एक्स्ट्रा देना। तो हमने तो नहीं दिया क्योंकि हमें और काम ही नहीं आज के इसके अलावा। अच्छा, तो हुरैरा मेरी तो समझ आती है कि 3000 टिकट है। आप अभी बच्चे हो, आपके भी 3000 है यार। इनको मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके बच्चे कौन से हैं जो 2000 की टिकट है, वो मुझे हमें बताएं, उसे एज तो बताएं कितनी एज के हैं। अच्छा भाई, कितने विजिट करते हैं लोग सैटरडे संडे जो है ना, 400-500 बंदे विजिट करते हैं। हाँ, सैटरडे संडे 400 बंदे आ जाते हैं, 500। अगर कोई स्कूल वाले आए तो तकरीबन 2000-3000 भी आ जाते हैं। कल सैटरडे थे, तकरीबन 1500 बंदे आए थे स्कूल के। तो मतलब मंथली फिर काफ़ी ज़्यादा विजिटर हैं। बिल्कुल, विजिटर होते ही आपको कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है। ये सारे रेस्टोरेंट हैं, छोटे रेस्टोरेंट, और ये वेलकम करने के लिए खड़े हैं। यार ये इसे पहना दो, इसे भी और कोई काम नहीं है। ये लगता शादी हो रही है। नहीं, ये भी वेलकम का एक अंदाज है इनका। ये एडवेंचर लैंड का गाइड मैप है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसको स्टडी ज़रूर करें। इससे एक तो आप एग्जैक्ट जगह पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि हर जगह की मुख्तलिफ नंबरिंग दी गई है और आपकी टाइम की भी बचत हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो ये मेन गेट है, इसका थोड़ा सा आगे आके ये मॉस्क है और उल्टे हाथ पर अगर देखें तो ये मॉस्क है, और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो 2 नंबर पर यो-यो है और यो-यो आपके सामने। यहाँ पर एडवेंचर लैंड में टोटल 27 राइड्स हैं। आप एक दफ़ा टिकट परचेज कर अंदर आ जाते हैं, उसके बाद आप अनलिमिटेड यहाँ पर राइड्स ले सकते हैं। तो 3000 में अगर ये आपको मिलता है तो नॉट बैड यार, फिर तो सही है यार। उधर 20-20 वाले में से हर बार 20 दे के चढ़ना होता है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो इधर 3000 में जितने मर्जी। तो ये बड़ी यार। हाँ बिल्कुल, और ये बड़े वसी रकबे पर है। अगर मैं इसके जो इसके गिर्द रोड घूमता है उसकी बात करूँ तो तकरीबन 2 किलोमीटर का रोड इसके पार्क के इर्द गिर्द घूमता है, तो बहुत बड़ी पार्क है। तो अभी राइड्स स्टार्ट करते हैं। राइड्स का आगाज़ हम एडवेंचर लैंड से करेंगे। ये बहरिया आए हैं और ये कुछ इसकी गाइड मैप भी लगा हुआ है। इसमें तो एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, इन्होंने नंबर तो दिए हैं लेकिन साथ नाम भी बताए हैं कौन कौन से। हाँ, मतलब एडवेंचर लैंड में ये तमाम राइड्स हैं, टोटल 9 राइड्स हैं एडवेंचर लैंड के अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, जो से हमारा स्टार्ट हो रहा है जी। तो राइड स्टार्ट हो चुकी है उरेरा। ओ उरेरा, मजा आ रहा है।
एडवेंचर लैंड जोन में ज़्यादातर बच्चों की राइड्स हैं, ये भी बच्चों की राइड है। इस राइड का क्या नाम है? बम्बलबी है। बम्बलबी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद याकूब। कितनी देर हो गई काम करते हुए? ये तकरीबन 3 साल। अच्छा, तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वजन कंट्रोल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आमिर शेर। आमिर शेर, कितनी आपको कितनी देर होगी यहाँ पर? 2 महीने हो गए। अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं? ओके भाई, ये फन फ्रूट है, ये भी बच्चों की है और वो सामने भी बच्चों की है। हम फिर आगे चलते हैं यार, ये सारी बच्चों की। अभी दिन ढलने को है, इसकी अच्छी बात ये है एडवेंचर लैंड की कि ये डे एंड नाइट है। आपको दिन का थोड़ा सा नज़ारा करवाया, अभी रात का भी नज़ारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये टी कप राइड है, अभी इसमें बैठना। जब चाय को उबाला आता है ना तो वैसे होता है। अच्छा, कप भी घूम रहा है, नीचे से ज़मीन भी घूम रही है। ये है डीजी डेजी, अभी इस पर बैठ। क्या सीन है, डर लग रहा है? इधर से आगे चक्का लग रहा है। ये तो अभी इजी है, अभी तो आगे मेन तो राइड्स आ गए हैं एडवेंचर वाले। मैंने नहीं, दोनों ने मिल के ले ली यार। ये कश्ती तो मैंने समंदर में चलती देखी थी, ये हवा में उड़ा रहे हैं यार। ये है प्राइड शिप, अभी इसमें बैठते हैं। हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इसे कश्ती भी कहते हैं। ओए, यार ये राइड तो लग सिंपल रही थी, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आती है ना, पेट में मतलब गुदगुदी होती है, डर लग गया यार। यार मुझे तो कसम से कुछ भी नहीं हुआ, यकीन जानो बस। अभी आपको होगा जब हम उसमें बैठेंगे। ये है जी कुकाफ जोन, अभी इसको कवर करते हैं। इसमें टोटल 6 राइड्स हैं और यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, अभी इसको कवर करते हैं। ये है जी साइक्लोन, अभी इसमें बैठ रहे जी। तो अभी हम फ्लाई करने लगे हैं। स्टार्ट इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, जितना खतरनाक लोग कह रहे थे उतना है नहीं था, लेकिन ठीक। ये है जी पावर ड्रॉप, अभी इसमें बैठते हैं जी। तो ये हम फ्लाई कर रहे हैं अब जी। तो हम पावर ड्रॉप पे आ चुके हैं। जिया भाई को डर लग रहा था, वो बाहर ही खड़े हैं, तो अब लेट्स सी, देखते हैं क्या चलता है। जी तो अबू रहा, पावर ड्रॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, बट ये जब नीचे से ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं फील होता। मतलब मजा आता है, व्यू देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा नाइट का व्यू, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं ना ये, ठीक है, तो फिर ऐसा फील होता है कि इंसान नीचे नहीं ऊपर का, ऊपर ही चला जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस। ये है जी कूल क्रशर, अभी इस पे राइड करते हैं। यार ये आया नहीं दोबारा। अब मुझे ये बताएं, ये V8 चला रहे थे आप? ये कहाँ से गाड़ी चल रही थी, जब टक्कर लगती इस तरह लगता था जैसे। ये है जी जेटसन, ये भी बच्चों के लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी रोलर कोस्टर, अभी इस पे बैठते हैं जी। तो रोलर कोस्टर स्टार्ट हो चुकी है। उरारा कलमा पढ़ लो। ओके बॉस। डर क्यों रहे हो इतना? अभी खतरनाक राइड स्टार्ट हो रही है। ये है जी अलादीन राइड, मेहरबानी
जीत वाला दिन पे मैं तो नहीं बैठ रहा, हूँ आप बैठ जाओ यार। वैसे इस टाइम ना सर चकरा रहा है, ठीक है तो इसको कैंसिल करते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम बैठ रहे हैं बहरिया टाउन आय में। बहरिया टाउन आय के ऊपर से थीम पार्क का सारा नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। क्या हो गया उन्हें, डर क्यों रहे हो? ये है जी प्लेडियम फन फूड। इधर भी मुख्तलिफ बच्चों के गेम्स हैं। भजन कैसे हैं आप? इसका एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बच्चों के लिए जी? क्या अलग चार्जेस हैं? 100 का कार्ड है तो टॉप अप कराना होगा। अच्छा 100 का कार्ड है उसके अंदर चार्ज करवाना होता है। एक गेम पे कितने लगते हैं? एक रन टू हंड्रेड और 100। शुक्रिया भाई जी। तो यहाँ पर टोटल बच्चों की राइड्स हैं लेकिन अच्छी हैं बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ यहाँ पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये है जी डायनो लैंड, इसके अंदर डायनासोर्स हैं सारे। अभी देखते हैं डायनासोर। ये है जी डायनासोर। इस जोन में मुख्तलिफ डायनासोर के बड़े बड़े स्टैचू बनाए हुए हैं और आवाज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं। इसको थोड़ा सा हॉरर लुक दी गई है और इस यहाँ पर इसका मुकम्मल डिटेल भी लिखी हुई है, साइंटिफिक नाम और इसका एवरेज वज़न कितना होता था, किस मुल्क में पाए जाते थे, कब मखदूम हो गए, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ये हैं जी डायनासोर के अंडे, कितने कितने बड़े अंडे होते थे इनके और कुछ अंडों से बाहर भी आ चुके हैं। ये भी डायनासोर के अंडे, अभी इधर से डायनासोर बाहर आएगा। ये है जी इंडस वैली, इसके अंदर क्या है इधर देखते हैं गाइड मैप पे। इसमें चार मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर इसमें वाटर के रिलेटेड हैं, मतलब बोट राइडिंग वगैरह। ये है जी एडवेंचर पे, ये भी बच्चों की राइड्स हैं, वाटर राइड्स। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाया गया है ये वॉशरूम में, और यहाँ पर आप चेंज करके मुख्तलिफ वाटर राइड्स ले सकते हैं। ये लॉकर भी बनाया हुआ है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ रखनी है तो उसके लिए आप लॉकर में रख सकते हैं। ये है जी वेव पूल, लेकिन वेव अभी बंद हुआ है। अब हम करेंगे जी बोट राइड, यहाँ पर वाटर फाइट आप इसमें बैठ के बोट में कर सकते हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी। आपका तो निशाना सही है, आपको बॉर्डर में होना चाहिए। इसके अंदर तो लगता है बुलेट खत्म हो गई है, इधर से ही जंग छिड़ी हुई है। लाला आप बॉर्डर पे जाओगे, आप बॉर्डर पे जाओगे, हमारे तक नहीं आएगी ये। तो दुश्मन हमारे सामने आ गए हैं, अभी फाइट होना शुरू हो गई है। वो बुरेरा आपने एक फौजी भी नहीं मारा है, ये पॉइंट पे लगना चाहिए निशाना, पॉइंट पे। ओ नहीं नहीं लगा यार, ये भी सही था, मतलब शुक्ली था, मजा आया। एक लाला साहब तो बिल्कुल इसी तरह फाइट कर रहे थे जैसे वो बॉर्डर पे खड़े हैं। बुरेरा आपको मजा आया? यार मेरे कपड़े भीग गए, नहीं वो मारना। अच्छा कपड़े भीग गए आप। ये है जी कोस्टर राइड, ये भी बच्चों के लिए,
बच्चों के लिए बड़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा राइड्स हैं। अगर फैमिली यहाँ पर आए तो फैमिलीज का एक दिन अच्छा स्पेंड हो सकता है, इन्जॉय हो सकता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर KFC भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, इसके अंदर एडवेंचर लैंड के अगर आपको भूख लगे तो आप डेफिनेटली इजी तरीके से खाना खा सकते हैं। तो अभी हम भी खाना खाते हैं। अच्छे आ रहे हो भजन, 2 पर्सन के लिए कौन सी डील अच्छी है? वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रीम बॉक्स है, 2 जिंगर है, 2 चिकन के पीस है, 1 लार्ज फ्राइज और 2 ड्रिंक, आप दोनों के सब लिए परफेक्ट है। ये अच्छी है, बस डन करें। ठीक है सर। ले जी, हमारी डील आ चुकी है। इसके अंदर क्या है? केडी कॉल। ये है जी एनिमल किंगडम जोन बैरियर कराची एडवेंचर लैंड को 5 मुख्तलिफ जोन में डिवाइड किया गया है। ये लास्ट जोन है और इसमें तकरीबन 6 मुख्तलिफ राइड्स हैं। तो अभी ये देखते हैं। ये है जी शार्क अटैक राइड, अभी इस पे बैठते हैं जी। तो अभी शार्क का अटैक शुरू होने लगा है। शार्क क्या करती है? ओ ओए ओए, ये है जी द क्ला राइड। ये है जी जिगली जेलीफिश राइड। ये है जी सिम्बाथ राइड। मुझे ये सबसे खतरनाक लग रही है, लेकिन अभी खाना खा चुके हैं, इस पे बैठेंगे तो नहीं। ये लास्ट हमारा ट्रेन का रह गया, अभी ट्रेन में बैठ गए। ये इसका स्टेशन आ गया, अभी हम बैठते हैं। ये ट्रेन एडवेंचर लैंड के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने शॉर्ट टाइम में अगर सब देखना हो एडवेंचर लैंड, तो आप इसमें बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये 5 स्टेशन इसके मुख्तलिफ, हर स्टेशन पे तकरीबन 2 से 3 मिनट रुकती है और इस तरह आप बैरियर का नज़ारा ले सकते हैं, एडवेंचर लैंड का नज़ारा ले सकते हैं। ये अभी कुछ स्पेस ओपन पड़ी हुई है, यहाँ पर भी कोई राइड बनेगी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बन रहा हुआ है जी। तो स्टेशन आ चुका है, इसी तरह के 5 स्टेशन बने हुए हैं। ये इंडस वैली का स्टेशन है, हम यहाँ पर उतरेंगे और फिर वापसी की तरफ निकलते। जी तो इस वक्त हम एडवेंचर लैंड से बाहर आ चुके हैं, बहुत इंजॉय किया आज का संडे। उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर बहरिया टाउन कराची में बाइंग सेलिंग के रिलेटेड अपनी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट या शॉप बुक करवाना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का अहतमाम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।